हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं स्काई स्टेक वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके फ़ोन में, अगर आप एक एमआई यूज़र हैं, यानी कि अगर आप एमआई का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपको व्हाट्सएप का इरर मैसेज आपको मिल रहा है जिसमें लिखा गया कि आपका जो व्हाट्सएप का वर्जन है वो एब्सोल्यूट हो चुका है और आपको एक नया वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, और आप जब प्ले स्टोर में जाते हैं और उस वहाँ पर अपडेट चेक करते तो अपडेट आपको नहीं मिलता है, और आप फिर ओपन करते तो फिर यही मैसेज आता है आपके पास। तो ऐसे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है कि आपको एमआई ऐप्स ओपन करना है आपके अपने मोबाइल फ़ोन में। एमआई ऐप्स में जाकर आप टूल्स ओपन करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, टूल्स में जाकर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर आप कैश क्लियर करेंगे। जो मौजूदा कैश डेटा है आपके एमआई ऐप्स में उसे आप क्लियर कर दीजिए और इस व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल मार दीजिए। इसके बाद आप प्ले स्टोर से दोबारा इसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप अपने नंबर को इसमें टाइप करके, यानी कि इंसर्ट करके, आप इसे फिर से एक्टिव कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे मैसेज आपको बार बार परेशान करें कि आज की डेट डेट भी बताया जा रहा है कि 13 जनवरी 2018 को ये एब्सोल्यूट हो चुका है और आपको, या फिर डेट चेंज करा है, ऐसा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये होता क्यों, क्या हुआ क्या है कि जो प्ले स्टोर है और जो एमआई ऐप स्टोर है उसके बीच कहीं ना कहीं, यानी कि जो MIUI 9 या फिर जो इसके वर्जन्स आए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई होगी, जिसकी वजह से ऐसा मैसेज बार बार नजर आ रहा है। लेकिन इसकी कोई दिक्कत, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको बस कैश डेटा हटा देना है, इसके बाद आपको अनइंस्टॉल कर देना है व्हाट्सएप को, और उसके बाद आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए अपने नए व्हाट्सएप को और एक्टिव करके आप इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।